नमस्ते दोस्तों। तो आज बनाने वाले हैं हम लौकी का भरता। तो यहाँ पे मैंने लौकी को आधा आधा कट कर लिया है और इसको इस तरह से गैस पे सेक लिया है। तो लौकी यहाँ पर सिक कर रेडी हो चुकी है। उसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा मैश कर लिया है, हल्का हल्का उसको ग्राइंड कर लिया था मैंने। उसके बाद लिया है मैंने हरी प्याज, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और मूँगफली के दाने। तो ये सब चीज़ें हमें भरते के लिए लगने वाली है। अब हम लेंगे कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने दें, फिर उसमें डालेंगे जीरा। जीरा क्रैकल होने के बाद डालेंगे मूंगफली के दाने। मूंगफली के दानों को हमें अच्छे से फ्राई होने देना है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और लहसुन। इनको थोड़ा सा फ्राई होने दें, एक बार अच्छे से चला लें। फिर हम डालेंगे उसमें प्याज, एक बार अच्छे से सबको मिक्स कर लें और उनको थोड़ी देर हमें पकने देना है। तो 5 मिनट बाद मैं इसके अंदर डालूंगी हरी प्याज। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब चीज़ों को पकने देंगे। फिर मैं ऐड करूंगी उसमें टमाटर। फिर मैं डालूंगी उसके अंदर नमक। एक बार अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे और पैन को कवर कर लेंगे। तो हमें प्याज और टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाने हैं। बीच बीच में से हम इन्हें चलाते रहेंगे। एक बार मैंने पैन का ढक्कन हटाया, एक बार अच्छे से मिक्स करके फिर से पैन को कवर कर दिया है। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर अब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें मसाले। तो मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को भी हम थोड़ा सा पकने देंगे। तो मैंने फिर से पैन को कवर कर लिया है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार इनको सबको अच्छे से चला रही हूँ। तो यहाँ पर सारे मसाले और प्याज टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लौकी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एक बार अच्छे से सबको मिक्स करने के बाद हम गैस को एकदम लो कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। तो 5 मिनट बाद यहाँ पे तेल अच्छे से रिलीज हो चुका है और भरता जो है वो रेडी हो चुका है। तो जो लोग लौकी की सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो लोग एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरी प्याज और धनिया के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे दूसरे YouTube चैनल अभिरन मॉम को भी सब्सक्राइब करें। आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा Instagram हैंडल है जोस किचन एंड अभिरन मॉम। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।